हमारी आने वाली प्रस्तुति भी इसी जोश एवं उत्साह से उत्प्रोत है। So let's feel the sensation with the Western dance as we are talking about our next performance. So we would like to request you all to please put your hands together for our upcoming performance of 11th class. So please welcome them with a huge round of applause.
DJ. प्रस्तुति थी।
Yes, Western dance is simply outstanding, Prachi. उफ, इतनी धूल, इतना धुआं, सांस लेना भी दुभर हो गया है। क्या यही है वो धरती जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई थी? कहाँ गए वो पेड़ जिन पर खेलकर हम बड़े हुए? कहाँ गई वो तितलियाँ जिनके पीछे दौड़कर हमारा बचपन बीता? कहाँ गए वो चहचहाते पक्षी? कहाँ गई वो कलकल बहती नदियाँ और उनका निर्मल जल? Yes, it is one of the most serious issue. The world is struggling to find an answer to. Today, from rising temperature to water problem, we face a number of problems, and most of them are related to environment. Environment, one of the protective layer that is supposed to sustain life, has now turned poisonous. The very air that we breathe in is now a harmful mixture of pollutants. And the reason behind all this is only and only man. सुनकर निराशा होती है ना? पर ये सच है, हमारी अपनी धरती का सच, वो धरती जो बहुत सुंदर हुआ करती थी। We could not maintain the gift of God given to us in abundant and have exploited the mother nature ruthlessly. हमारी अगली प्रस्तुति में हमारी शाला के छात्र छात्रा आपके सामने इसी ज्वलंत मुद्दे को एक नाटक के रूप में मंचित करने जा रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे ध्यान से देखें व आत्ममंथन करें। Through our upcoming performance, we request our audience to take it seriously and give a thought to it. So let's welcome the students of class 9 to 12 to present it before you. दादा देखो ना, आज कितनी गर्मी लग रही है, चमड़ी तक जल रही है और एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही है। हाँ बेटा, ये सब तो इस बदलते मौसम का प्रभाव है और यह सब तो होना ही था, इसके जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। वो कैसे दादाजी? बेटा, हम मनुष्य पृथ्वी के सबसे समझदार प्राणी समझे जाते हैं, परंतु हम लोगों ने ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हमारे वर्तमान एवं भविष्य को संकट में डाल दिया है। वो कैसे दादाजी, जरा खुलकर बता ना। बेटा, ये पृथ्वी पहले से ही ऐसी नहीं थी, यहाँ सभी ऋतुओं एवं मौसमों का एक व्यवस्थित क्रम था, परंतु हम मनुष्यों के स्वार्थ ने एवं अधिक उन्नति की लालसा ने मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों का अस्तित्व भी खतरे में डाल दिया है। ईश्वर ने पृथ्वी सभी के लिए बनाई थी, परंतु हम मनुष्यों ने इस पर पुनः अपना अधिकार कर लिया है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत में छेद, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र में जल स्तर का बढ़ना, इन सब के जिम्मेदार हम ही हैं। दादाजी, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। अरे यार, आज तो हम पास के पार्क में घूमने जाने वाले थे ना, क्या हुआ? चलो ना यार। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं, आज तो पार्क ही सैर हो जाए। हाँ बच्चों, सावधानी पूर्वक जाओ। मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें, सिर क्यों पकड़े हुए हो? घबराहट हो रही है और सिर भी भारी भारी सा हो रहा है। अभी तक तो तुम्हारी तबीयत ठीक थी, अचानक क्या हुआ? वो शाम हो गई है ना, तो अभी वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई है, जिससे वातावरण में प्रदूषण का प्रतिशत भी बढ़ गया है। तो एक काम करते हैं, हम सभी उस तरफ वाले पेड़ के नीचे बैठते हैं, आजकल तो पेड़ पौधे भी दुखे ही बचे हैं। हाँ, शायद यहाँ ताजी हवा मिलने से थोड़ी सी राहत मिले। हमें माफ कर दीजिए, हमें मत काटिए ना। नहीं, हम आपको काटने नहीं आए, आप तो हमारे जीवन दाता हैं, आपके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा, कैसे विश्वास करें हम तुम मानवों का, तुम लोगों ने तो हम पेड़ पौधों को काट काट कर पूरा का पूरा जंगल ही साफ कर दिया और कंक्रीट की इमारतें बना ली। अरे नीम भैया, क्या हुआ, क्यों रोए जा रहे हो? क्या बताओ बंदर मामा, इन मानवों से इतना डर लगने लगा है कि किसी भी मानव को देखकर लगता है बर्दाश्त तो हम गए काम से। बात तो आपकी सही है, हम लोगों को भी खाने को फल नहीं मिलते हैं और न ही इस डाल से उस डाल पर छलांग लगाने की जगह। देखना, एक दिन हम भी इन मानवों की भांति दो पैर वाले हो जाएंगे, यानी हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सही है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो बंदर भैया, जैसे तुमको सबकी परवाह। इन मानव के अत्याचार की सबसे ज्यादा तो मैं ही शिकार हुई हूँ। खुद को विकसित करते हैं, लेकिन इनके विकास की कीमत मुझे चुकानी पड़ी। रासायनिक खाद और पॉलिथीन ने तो मेरा रंग रूप ही बदल दिया। सच में मिट्टी बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो, फैक्ट्री के धुएं, वाहनों के धुएं ने मुझे कितना मेला और जहरीला कर दिया है। ओह, हमें अफसोस है। चलो यार, बगीचे के बचे हुए पौधों में पानी डालते हैं। यार, यहाँ पानी कहाँ से लाएं? वहाँ देखो, एक हैंडपंप दिख तो रहा है, चलो वहाँ से पानी लाते हैं। हाँ,
हद है ये तो, पंप में पानी नहीं। सच में आ रही, नगर निगम वाले ना किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखते, आप क्या करें? अब क्या, चल सामने वाली नदी से पानी लेकर आते हैं। सही है, चलो। यह पानी तो बहुत ही गंदा लग रहा है। लग नहीं रहा है, यह पानी गंदा है। कौन है, कौन बोल रहा है? मैं नदी बोल रही हूँ। आप लोगों ने अपशिष्ट पदार्थ डालकर मुझे इतना जहरीला कर दिया है कि अब तो मेरा खुद में ही दम घुटने लगा है। इस जहरीले पानी को पिलाकर और किसे जहरीला करने का इरादा है? हम आप सबकी परेशानियों को समझ रहे हैं और जल्द इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। जल्दी करना। ये बेचारी गाय इस तरह से क्यों पड़ी है? ये तो मर गई। तुम्हें पता है यह कैसे मर गई? नहीं नहीं पता कैसे मर गई ये बेचारी गाय। बस ये सड़ा हुआ खाना ही तो खाती थी, पर आप लोग सड़ा हुआ खाना भी तो मुझ में भर कर फेंकते थे। पॉलिथीन से यह खाना नहीं निकाल पाती थी, बस मुझ जैसे ही दो चार पॉलिथीन खा गई, जिसकी वजह से ये बेचारी मर गई। अरे बाप रे, हम मनुष्य ने तो पूरी पृथ्वी और पर्यावरण का सर्वनाश कर दिया है। अरे हाँ यार, यदि वर्तमान में यह हाल है तो हमारा भविष्य क्या होगा, सोच कर ही डर लगता है। सावधान मानव सावधान, मैं प्रकृति हूँ, लाचार बेबस प्रकृति, जिसका शोषण तुम मानवों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है और बरसों से करते आ रहे हो। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें अपना भला बुरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्नति एवं विकास के नाम पर तुम अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हो और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैंने तुम्हें जो स्वच्छ जल, हवा, पानी एवं वातावरण दिया था, तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। जरा सोचो, तुमने तो तुम्हारा जीवन जी लिया, पर तुम अपनी संतान के लिए क्या देकर जाओगे? एक नरक भरी जिंदगी। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी भविष्य की एक झलक दिखलाती हूँ। अरे यार, लगता है मेरे सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, फिर से रिफिल करवा लूँ? अरे बिल्कुल करवा लो, नहीं तो पता नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया तो जान से हाथ धो बैठोगे। अरे भैया जरा ऑक्सीजन तो भर दो, पर दाम क्या लोगे? 10,000 रूपए एक सिलेंडर रिफिल करवाने के। क्या 10,000 रूपए जान लोगे क्या? नहीं, 10,000 रूपए मैं तुम्हारी जान दूंगा। ठीक है भैया, जान के लिए 10,000 रूपए क्या? अरे भैया एक बॉटल पानी तो देना, 1 लीटर वाली। ये लो। कितने की है? 500 रूपए की। क्या केवल 1 लीटर पानी 500 रूपए का? भैया जीना हो तो लो, नहीं तो ना लो। आधी कमाई तो हवा और पानी खरीदने में ही चली जाती है, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? साहब मुझे ऑक्सीजन दिला दो, साहब प्लीज भगवान के नाम पर दिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऑक्सीजन दिला दो साहब, प्लीज भगवान के नाम पर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे हट, तुझे ऑक्सीजन दे दूंगा तो बच्चों को क्या दूंगा? अरे भैया कोई तो मदद करो, भगवान के नाम पे कोई मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो आप सभी ने अपना भविष्य तो देख ही लिया है, किस प्रकार हम मनुष्यों ने अपना वर्तमान संकट में एवं भविष्य दाव पर लगा दिया है। ईश्वर ने जो स्वच्छ हवा, पानी, वातावरण हमें वरदान में दिया था, हमने उसे भी प्रदूषित कर दिया है और भविष्य में उसे ही खरीद कर पीने के लिए मजबूर होंगे और उसके अभाव में हमारे बच्चे भी इस बच्चे की तरह कभी हवा कभी पानी से तड़प तड़प कर हमारी आंखों के सामने दम तोड़ेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरा आप सभी पालकगण एवं अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं अपना दाहिना हाथ आगे करके अपनी धरती माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी प्रकट करते हुए इस महान अभियान में अपना भी सहयोग प्रदान करें। तो आइए आज हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपने पर्यावरण एवं पृथ्वी के प्रति सजग एवं सचेत हो जाएं एवं अपने भविष्य को समाप्त होने से बचाएं। वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। एक बार आप सभी दोहराएंगे, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद। Thank you.
वाकई में हमने अपनी प्यारी धरती का क्या हाल कर दिया है ना सौम्या। इस प्रस्तुति ने तो हमारी आँखें